वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 10 अगस्त 2021 और 10 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही के टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि दहिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का मैंने आपको आंसर बताया था 57 किलोग्राम भार वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और अगस्त माह से संबंधित जो प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उसे यहां पर देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया और इसके अतिरिक्त 1 अगस्त को फ्रेंडशिप डे अर्थात मैत्री दिवस मनाया गया, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के प्रथम रविवार को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, इस वर्ष 2021 में ये 1 अगस्त को मनाया गया है। दूसरा हमारा है 2 अगस्त। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस, 3 अगस्त को मैथिली शरण गुप्त जयंती जिसे कि हम लोग कवि दिवस के रूप में भी जानते हैं, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और 9 अगस्त को इसके अतिरिक्त आप यहां पर देख सकते हैं बिहार पर्यावरण या फिर पृथ्वी दिवस। बिहार पर्यावरण पृथ्वी दिवस की यहां पर चर्चा हुई तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और वहीं पर अगर हम विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि बिहार पर्यावरण एवं पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है यह 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है, यह आपको यहां से याद रखना है। इस बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको कल वाले वीडियो में दूंगा। और यहां पर अगला हमारा है 10 अगस्त। तो 10 अगस्त आज है और आज है विश्व जैव ईंधन दिवस। तो यहां पर यह सारी चीजों को याद रखना, जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं सारी चीजों को अपडेट करता चलूंगा। ये सारे दिवस का कोई थीम निर्धारित नहीं, इसीलिए यहां पर मैंने इसे खाली छोड़ दिया है। अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि टोक्यो 2020 अर्थात टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन अभी हाल ही में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक हुआ है। ये हाल ही में संपन्न हुआ है तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कि टॉप 90 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है और इसका पीडीएफ सभी के लिए निःशुल्क है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर एक चीज ध्यान, आपका टोक्यो ओलंपिक से जो भी प्रश्न बनेगा, इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे। मैंने सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया है, आप इस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए अब यहां पे हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहां पर आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक अर्थात डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के बक्सर जिले में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया वर्चुअली। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर मैं आपको इस प्रश्न का बता दूं कि हाल ही में बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक अर्थात डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन किया गया। आप यहां पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आगे लिखा गया यह उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने वर्चुअली किया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया यह तकनीक वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत आयोजित इनोवेशन चैलेंज के तहत विकसित किया गया है और यह विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक एक पोर्टेबल इंसिनरेटर है जो कि प्रत्येक घंटे कपास, प्लास्टिक या फिर इसी तरह के सामग्री से बने 50 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे को हैंडल करने की क्षमता रखता है। तो अभी हाल ही में इसका जो उद्घाटन हुआ ये बिहार के बक्सर जिले में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन बिहार के बक्सर जिले में हुआ है। अब यहाँ पे बक्सर की चर्चा हुई तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में ये बक्सर की स्थिति है बिहार वाले मैप में। अब यहाँ सबसे पहले आपको याद रखना है कि बिहार की जो बक्सर जिला है इसकी सीमा कितने जिलों के साथ सीमा को साझा करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कुल मिला के 3 जिले हैं जो कि कह सकते हैं कैमूर या फिर भभुआ और रोहतास तथा भोजपुर, ये 3 जिले बक्सर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न बनेगा कि बिहार में गंगा नदी कहाँ पर प्रवेश करती है। तो बिहार में गंगा नदी यहीं पर बक्सर में एक स्थान है चौसा, तो यहीं से बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, जिन्हें के भी हाल ही में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के सहरसा जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड
रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है और उन्हें यह सम्मान एक दिन में 7 मरीजों का रोबोटिक विधि से कूल्हे और घुटने का प्रत्यारोपण के लिए दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना, इसमें वजह क्या है, तो यही वजह है कि एक दिन में 7 मरीजों का कूल्हे और घुटने का प्रत्यारोपण किया गया था रोबोटिक विधि से। तो ये आपको याद रखना, ये बिहार के सहरसा जिले से संबंधित है। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैंने और ऐड किया जो कि ये मैं ऑलरेडी आपको 19 जुलाई यानी कि पिछले मंथ के 19 जुलाई को बता चुका हूँ। अब यहाँ उसी चीज को मैंने लिखा है कि हाल ही में उनके पिता व अस्थि सर्जन एवं भारत सरकार द्वारा 2010 में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया था। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो ये बात आपको याद होगा, ये 19 जुलाई को मैं आपको बताया था। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, पद्मश्री भारत का 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस तरह के प्रश्न बिहार में जीतने वाले बीपीएससी सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से मैं जनवरी से लेकर अब तक आपके साथ बना हूँ, ये दिसंबर तक ये सीरीज यूं ही चलता रहेगा। अगर आपको इस सीरीज से लाभ मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 900 लाइक का, ये आपका फर्ज बनता है। अगर आपको वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए और इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के गया जिले में गुआवा मैन के नाम से मशहूर हो चुके सत्येंद्र गौतम मांझी निम्न में से क्या कार्य करते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप लोग माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं दशरथ मांझी को, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के गया जिले में गुआवा मैन के नाम से मशहूर हो चुके सत्येंद्र गौतम मांझी निम्न में से क्या कार्य करते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आम का पौधा इकट्ठा करना इनका कार्य है। अब यहाँ पे मैं इस प्रश्न के बारे में विस्तार से आपको बता दूं कि हाल ही में गया जिले में गुआवा मैन के नाम से मशहूर हो चुके सत्येंद्र गौतम मांझी ने लगातार दूसरे साल आम का पौधा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये कार्य इन्होंने पिछले वर्ष 2020 में शुरू किया था। आप यहाँ पर इनको इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आगे लिखा गया, इन्हें पौधा लगाने का शौक है और इसके लिए ये अपने गाँव में नर्सरी में पौधा लगाते हैं और साथ ही गया शहर में आकर गली कूची नली के पास उगे आम के पौधे को संग्रहित करते हैं और फिर इन्हें इन पौधों को लगाने के लिए ग्रामीणों को सौंप देते हैं, यानी कि अपने गांव ले जाते हैं और आसपास के ग्रामीणों को ये पौधे सौंप देते हैं। इनका ये कार्य और ये पिछले 2 साल से इस कार्य में ये लगे हैं। तो ये अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चे में आए हैं। इनका नाम आप याद रखिए, इनका नाम है सत्येंद्र गौतम मांझी जो कि बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं और ये गुआवा मैन के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सारी जानकारी यहां से आप याद रखिए। अब यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है। आपने देखा होगा मांझी द माउंटेन मैन एक पिक्चर बनी थी। आपको बताना है कि दशरथ मांझी बिहार के किस जिले के रहने वाले थे। दशरथ मांझी बिहार के किस जिले के रहने वाले थे, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 4th प्रश्न कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कंपनी की कोविड-19 की एक ही खुराक वाले वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं, केंद्र सरकार ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 की एक ही खुराक वाले वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोविड की जो टीकाकरण अभियान जो चल रहा है, इसमें 2 टीकाकरण अभी मतलब फिलहाल दिया जा रहा है, पहला डोज और दूसरा डोज। तो यहाँ पर ये जो टीका विकसित किया गया जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के द्वारा, ये एक ही खुराक वाले वैक्सीन है जो कि भारत में ये आपातकालीन उपयोग के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दिया गया है, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। ये आपको ध्यान रखना, इस कंपनी का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, जॉनसन एंड जॉनसन 1886 में स्थापित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि चिकित्सा उपकरणों, फार्मास्यूटिकल और उपभोक्ता पैकेज जैसे सामान विकसित करती है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, जॉनसन एंड जॉनसन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है और वर्ष 2021 के Fortune 500 कंपनियों की सूची में इसे 36वें स्थान पर रखा गया था। अब यहाँ पर आपके प्रश्न बनेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन चर्चे में है तो ये आपको याद रखना है कि 2021 का जो Fortune 500 कंपनियों की सूची जारी किया गया, इसमें ये 36वें स्थान पर रखा गया है। अब यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के कितने कंपनियों को इसमें शामिल किया गया, कौन टॉप पे है, ये सारी तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि अब तक जनवरी से लेकर अब तक जितने भी माह के करंट अफेयर्स बने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये सभी माह के करंट अफेयर्स का PDF का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर इसका PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर ज्वाइन करके डेली मतलब यहाँ पर क्विज में शामिल हो सकते हैं। करंट का क्विज चलता है, आप वहाँ पर शामिल होकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा हाल ही में किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चमनलाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहां पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारत के 13वें उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्फ्रेंस हॉल नई दिल्ली में एक सार्वजनिक समारोह में माननीय चमनलाल की स्मृति डाक टिकट जारी करके सम्मानित किया। ये आपको यहां पर याद रखें, आप जो यहां पर देख रहे हैं यही है चमनलाल, जो कि इन्हीं के सम्मान में डाक टिकट अभी जारी किया गया है। यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया, चमनलाल प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे, वे जीवन भर लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते रहे और इनका जन्म 25 मार्च 1920 को सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का अंश है। तो अभी याद रखना आपको कि इन्हीं के सम्मान में, चमनलाल के सम्मान में भी हाल ही में डाक टिकट जारी किया गया था। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो 12 अगस्त को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थात अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये भी 12 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 12 अगस्त को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगी और इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अब इस उपग्रह का नाम क्या है, तो इस उपग्रह का नाम है EOS-03। तो EOS-03 नामक अत्याधुनिक उपग्रह बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय की निगरानी में सक्षम होगा, इसीलिए इसी को ध्यान रखते हुए इसी उद्देश्य ये अभी हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार 2 अगस्त 2021 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना अर्थात प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान स्कीम के तहत लगभग कितने करोड़ लाभार्थियों का नामांकन किया जा चुका है। ये आंकड़े 2 अगस्त 2021 तक के हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा भी हाल ही में जारी किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, लाभार्थियों का जो नामांकन किया जा चुका है करीब 5 करोड़। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, करीब 5 करोड़ लाभार्थियों का नामांकन किया जा चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको तमाम इंफॉर्मेशन डिटेल बताता हूं। तो हाल ही में केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार 2 अगस्त 2021 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना अर्थात प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान स्कीम के तहत लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया जा चुका है, जिनमें कि 4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यहां पर आप याद रखें, इस स्कीम में अभी तक 5 करोड़ लोगों का नामांकन किया गया, जिसमें से इस रिपोर्ट के अनुसार 4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और वहीं पे 5 करोड़ लाभार्थियों में से 2 करोड़ इसमें महिलाएं शामिल है, यानी कि 2 करोड़ से अधिक पंजीकृत महिलाओं में से 1 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अर्थात यहां पर ये आंकड़े आप याद रखेंगे, कुल मिलाकर अगर हम बात करें यहां पर लाभार्थियों की जो नामांकन हुआ है तो वो 5 करोड़ है, वहीं पे अगर समूचे की बात करें तो 4 करोड़ लोगों को इसमें प्रशिक्षित किया जा चुका है। लेकिन यहां पे अगर महिला श्रेणी की बात किया जाए तो महिलाओं में इनमें से 5 करोड़ में से 2 करोड़ महिलाएं हैं और 2 करोड़ में से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तो यहां से ये आप याद रखेंगे। अब यहां पे मैंने अगला पॉइंट लिखा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू हुए इस योजना से केंद्र सरकार ने मार्च 2022 तक 6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इसका भी याद रखना है आपको कि कितने लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 6 करोड़ लोगों को मार्च 2022 तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है इस योजना के तहत, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के तहत। तो इतनी सारी जानकारी आप यहां से याद रखेंगे। और उसके बाद यहां पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल वुमेन्स कमीशन की अध्यक्ष रेखा शर्मा की सेवा में कितने वर्षों का विस्तार किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 वर्षों का विस्तार अभी हाल ही में किया गया है। अब यहां पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग अर्थात नेशनल वुमेन्स कमीशन की अध्यक्ष रेखा शर्मा की सेवा में 3 साल का विस्तार किया है। आप जो यहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है रेखा शर्मा। अब यहां पर आगे लिखा गया उनका कार्यकाल 7 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा और फिर यहाँ पे आगे लिखा गया और वह 65 वर्ष की उम्र तक अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो इस पद पर बनी रहेगी, अर्थात 65 वर्ष की उम्र तक या फिर अगले आदेश तक ये इस पद पर बनी रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इनकी सेवा में 3 वर्ष का विस्तार किया गया है, जो कि मतलब 7 अगस्त 2021 से ये प्रभावी माना गया है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद रखिए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, हाल ही में किसने द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक लिखी है। तो द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड नामक वेंचर जो लिखा गया है प्रशांत देसाई के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर मैं आपको इस प्रश्न में बता दूं कि हाल ही में लिखित पुस्तक द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर के लेखक प्रशांत देसाई हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलेज इंडिया द्वारा किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना, इसके जो लेखक हैं ये प्रशांत देसाई हैं, इस पुस्तक का नाम है द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर और इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलेज इंडिया के द्वारा किया गया है।
चलिए यहां पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, हाल ही में किसने भारतीय महिला हॉकी के कोच पद से इस्तीफा दिया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोअर्ड मरीज ने इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि ओलंपिक के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में सेमीफाइनल में पहुंची थी। ये आपको यहां से याद रखना है, टोक्यो 2020 में ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। और यहां पे आगे लिखा गया, इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम के ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम के मुख्य कोच जोअर्ड मरीज ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा किया। और अब यहां पे आगे लिखा गया, अब उनके स्थान पर महिला हॉकी टीम के कोच जानिका सोपमैन होंगे। तो ये भी बात आपको यहां से याद रखना, नए कोच जो होंगे ये जानिका सोपमैन होंगे। तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना, जो पूर्व कोच थे ये टोक्यो 2020 में जो टीम के साथ थे ये थे जोअर्ड मरीज ने, जो कि अभी हाल ही में इस्तीफा दिया अपने पद से। चलिए अब यहां पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के श्री चित्रा त्रिमनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में देश के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत के केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केरल के श्री चित्रा त्रिमनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में भारत के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। और इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी ये 1976 में तिरुवनंतपुरम केरल में हुई थी। तो ये भी जानकारी यहां से आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत का पहला हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया है। और ये केरल राज्य के किस संस्थान में किया गया ये भी आपको याद रखना है। तो श्री चित्रा त्रिमनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में ये शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अब यहां बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि ओलंपिक खेल में भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रश्न के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। आप चाहे तो यहां पर इस बारे में आप डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक है इस व्हाट्सअप नंबर पर P21 लिख के मैसेज कीजिए। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। मैसेज करके आप डेमो पीडीएफ मंगा के देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिए कि आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।